खाली मोदी 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 जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। लोगों का मोदी के प्रति ये प्यार है, योगी के प्रति प्यार है, उनके कामों का प्यार है। अरे कुंभ की ललकार है, मोदी फिर एक बार है। कुंभ की ललकार है, मोदी फिर एक बार है। मोदी बनाएगा, मोदी है राम मंदिर, मंदिर मोदी है, मोदी है नरेंद्र मोदी जी, भाजपा सरकार की आएगा योगी जी का एक नंबर मोदी है। मोदी मोदी बनेगा, मोदी नहीं है, मोदी यो हीरो हीरो है, मोदी 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 बनेंगे, मोदी 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 को जान दे देंगे, मोदी को मोदी मोदी योगी ने अभी और मोदी ने जो जो दोनों को एक ही है। सुने सुने, जो साधु होते थे साधुओं को भी 60 साल से ऊपर की पेंशन देने का बात किया, जिसका अखिलेश ने विरोध किया था। साधु भी बुजुर्ग होता है, वो भी देश का नागरिक है, उसको भी पेंशन देने का जो बात किया है, कैसा फैसला है? दिया नहीं, दिया नहीं है ना, दिया नहीं, मिलेगा ना पब्लिक को, मिलेगा फैसला ही देता है सब। अरे वो तो पहले देता भी नहीं था, अब जितने लोगों को मिलता है वो 60 साल। हमको तो मोदी मानते हैं, मोदी एक नंबर है, बस मोदी जैसा कोई नहीं है, सिर्फ मोदी है। कहाँ से मोदी है? हम मौरैया से आए, मोदी हीरो है, हीरो, मोदी जैसा कोई नहीं है, मोदी फर्स्ट नंबर, मोदी है, मोदी होना, मोदी 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 को हम जान दे देंगे, अगर मोदी को जरूरत पड़े तो जान दे देंगे हम। कुंभ मेला आज तक हम लोगों ने देखा है, क्या ऐसी व्यवस्था कभी किसी ने देखा है? कहीं नहीं, आज तक ऐसी व्यवस्था बता दीजिए किसी ने देखा है? नहीं देखा। जो व्यवस्था यहाँ चल रही है, अगर योगी और मोदी नहीं हो तो ऐसी व्यवस्था होती? आज तक किसी इतने कुंभ में किसी ऐसा नहीं, तो संतों यहाँ तो संतों पर गोली चलवाने वाले लोग पड़े हुए हैं। मोदी ने बनाया, संतों का सम्मान करने वाले कहाँ हैं? पर वही गोली चलवाने वाले का बेटा भी है, हफ्ते और पहले नहा के गया है। यह तो दिखाने के लिए है ना, पहले इसके लिए, पहले इसके लिए क्षमा मांगे जो संतों पर गोली चलवाया, खून की नदियां बहवाया। नहीं मांगे, वो बोला कि जरूरत पड़ती ज्यादा चलाया। संतों का हुआ कहाँ? फिर वो संतों का कहाँ है? जनता नहीं आएगी, लालच दिखाना मना है। लालच फिर से मोदी कहाँ? हर हर मोदी, बार बार मोदी। क्या लग रहा है अलीगढ़ में सतीश गौतम सांसद है अगली बार? गौतम ही सांसद होंगे, बीजेपी आएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनाएंगे, पक्का पक्का। हर हर मोदी। आप कहाँ से हैं? अलीगढ़ से ही आए। अलीगढ़ में क्या होगा? अलीगढ़ में बीजेपी जीतेगी, फिर से जीतेगी, फिर से बीजेपी जीतेगी। कहाँ से हैं? सीधी जिला मध्य प्रदेश। क्या लगता है मोदी जी आएंगे फिर से प्रधानमंत्री? पक्का पक्का, परसों बहुत बड़ा किसानों को दे दिए हैं। कमलनाथ किसान के कर्ज माफी के नाम पर बहुत बड़ा घपला किया है। मिल रहा है वो तो फर्जी, फर्जी बनाया, फर्जी पूरा, पूरा फर्जी। क्या है उसमें वो बताइए, उसमें बताइए कि जो कर्जा ले लिया उसका भी नाम मान दर्शाए हुए है। जो कर्जा नहीं लिया उसको भी दे रहे हैं, उसका पूरा पैसा उसी के नाम है। कर्जा लिया, कर्जा लिया उसका क्या कर रहा है? उसका माफी अभी घोषणा किया लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, घपला किया है, 2000 करोड़ का। कहाँ से आए हैं? चंपारण बिहार से, मोतिहारी शहर। बिहार से आए हैं, बिहार में नीतीश कुमार सरकार कैसा काम कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ढंग से, ऐसा कोई मतलब अब तक का कोई मुख्यमंत्री नहीं किया था। लल्लू यादव ने इतना लूटा था कि लगता था कि 40 बरस में ये नहीं पलटेगा, लेकिन हम लोगों को 10-15 साल के अंदर में काफ़ी लौटा दिया नीतीश ने। वह त्यागी पुरुष है, यद्यपि मैं उस पार्टी का नहीं हूँ, फिर भी उसने जो काम किया है वो सराहनीय है और आगे भी जीत रहा है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है वहाँ पर? 2019 के लोकसभा चुनाव में और अगला जो बिहार का जो होगा विधानसभा चुनाव, दोनों में दोनों वृश्चिक राशि के जातक नरेंद्र और दोनों जीत रहे हैं, दोनों सरकार बनाएंगे 100%। ज्योतिष के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से? मैं पब्लिक के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से। और दूसरी बात बता दूं, मैं 1977 से जितना यहाँ पर कुंभ लगा है, अर्ध कुंभ लगा है, मैं सब में आया हूँ
और इतनी दिव्य व्यवस्था, भव्य व्यवस्था कहीं नहीं है। अच्छी व्यवस्था थी, बिल्कुल अच्छी। 77 से 89 से और उसके बाद में 2001 से, 2007 के अर्धकुंभ से, 2013 के पूर्ण कुंभ से और 2019 के अर्धकुंभ में सबसे बेटर व्यवस्था है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल द कुंभ्स। आप क्या करते हैं? मैं पेशे से प्रोफेसर हूं, पद पर एक डिग्री कॉलेज में प्राचार्य हूं। अच्छा, तो अभी आपको कितने लोग लग रहे हैं कि होंगे आप? ये तो कोई काउंटिंग नहीं है, ये तो काउंटिंग कोई वैज्ञानिक ही कर सकता है वैज्ञानिक तरीके से, लेकिन कम से कम को अंदाज है कि 60-70 लाख से ऊपर लोग हैं। 60-70 लाख से। और 4 तारीख को जो स्नान है मौनी अमावस्या, करोड़ से ज्यादा संख्या टप जाएगी। आप कहाँ से आए? हम बापू के कम भूमि पूर्वी चंपावन मोतिहारी से आए हैं, बिहार। बिहार से आए? हाँ जी। क्या लगता है बिहार में अभी 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो गठबंधन है उसकी क्या संभावना नजर आ रही है? संभावना तो अटूट है, गठबंधन गठबंधन है दोनों आदमी का, भाजपा जदयू का वहाँ गठबंधन है, लेकिन अब चुनाव में आगे का स्थिति बहती है। एक बोलिए बोलिए ना, हम लोग से लीजिए ना, सोनी टीवी वाला है। बहुत देर से रुका हुआ, पहले बता दीजिए क्या बोलना है। अरे आप इनसे बात करो, फिर आपसे बात करो। कहाँ से आए हैं? रांची, झारखंड। ठीक है, आप इधर थोड़ा वेट करिए। हमारे पास कहाँ से आए भाई साहब? बलिया से। नाम बताइए आप? हरिंदर सिंह। हरिंदर सिंह जी, बलिया में आपके क्या लग रहा है 2019 के चुनाव को लेकर, किस तरीके का माहौल है, कौन जीतेगा, किसकी सरकार दोबारा से बनेगी, या जो राहुल गांधी नाम का राजीव का लड़का है वो आ सकता है? राहुल गांधी का तो कोई सवाल ही नहीं है, जब आएगा तो मोदी आएगा। दो हजार उन्नीस का जो चुनाव होगा उसमें वोट फॉर ओनली बीजेपी, नॉट फॉर अदर। पूरा बीजेपी, पूरा बीजेपी। मोदी का कहते हैं राहुल को तो राफेल ही ले डूबेगा। अच्छा, राहुल राफेल में फेल हो गया? फेल हो गया वो, फेल हुआ। उनकी पूरी खानदान जो है वो झूठ में वो है, भरी पड़ी हुई। वैसे वो जमानत पर बाहर चल रहे हैं, पता है? अरे अंदर भी जाएंगे। अच्छा, जाएंगे पक्का जाएंगे, जाएंगे। मोदी को आने दीजिए इस बार 2019 में, फिर देखिएगा आगे। वही नहीं जाएंगे, जितने चेले चपाटी हैं सब अंदर जाएंगे। सब अंदर, अंदर जाएंगे। एक बार फिर मोदी। कहाँ से आए हैं? संत कबीर नगर। कबीर नगर से अभी जो चुनाव आने वाला है 19 का, किसके जीतने की संभावना है? मोदी होगी। कहाँ है मोदी होगी ये बताइए? इसलिए कि उन्होंने काम किया है। क्या क्या काम किया थोड़ा बताइए लोग। हमारे यहाँ मोदी कल आए थे संत कबीर नगर में। अच्छा। और उन्होंने बहुत फैसिलिटी दिया हम लोगों को, सड़कें छलन की बन रही है। चल आप कुंभ में आए हैं, क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है? कुंभ बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है, सब लोग आसानी से स्नान कर रहे हैं। हम लोग गायत्री परिवार से हैं। अच्छा, गायत्री परिवार से हैं हम लोग। पुस्तकें बांट रहे हैं आधे मूल्य पर। अच्छा अच्छा, अच्छे बांट रहे हैं आधे। आप तो काफी जगह घूमते होंगे, आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल मोदी का है, पक्का मोदी का है। 80 में 75 सीट लाएंगे मोदी। तो ये भाई बहन की जोड़ी, बुआ बबुआ की जोड़ी, इसका क्या होगा? शिवपाल ने कहा है अभी कहा है कि मायावती हमारी बहन नहीं है तो अखिलेश की बुआ कैसे हो सकती है? वो बोले कि मैंने, मुलायम ने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, तो बुआ कहाँ से हो गई? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि बुआ अपने भाइयों की नहीं हुई और भतीजा अपने बाप का नहीं हुआ। नहीं हुआ अखिलेश, अखिलेश नहीं हुआ बाप का। अखिलेश ने तो बड़ा काम किया था, टोंटी चुराई थी, गमला चुराया था, कमोड चुराया था, टाइलें चुराई थी, इतना बड़ा काम किया उसे। लखनऊ में जो फ्रंट रिवर बना है उसका घोटाला इन्होंने किया है। मायावती ने जो है हाथी पार्क बनाया, हाथी वाला घोटाला, हाथी घोटाला किया है। तो वो तो चोर चोर मौसे ने भाई, अब चोर चोर मौस बुआ भतीजा हो गया। राहुल ने जो है वो फर्स्ट घोटाला किया है, उनके पिता ने, राजीव गांधी ने किया था। राजीव गांधी ने, राहुल ने नेशनल हेराल्ड का किया है, खानदानी पैसा है। राहुल खानदानी पैसा है, केवल उनके तो निरा है, रायबरेलिया बैठी जीतेंगे, वहाँ निकलेंगे, वहाँ भी गाली दे रहे, नहीं निकलेंगे वहाँ से। पिछली बार हम गए थे, गाली दे मजबूत, वहाँ भी नहीं निकलेगी। कहाँ से हो? रायबरेली से हो। जीतेगी सोनिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहे हैं उनको, जबकि उनको गोद लिया गया तब भी कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। सारी सड़कें वैसे, हम पिछले बार गए थे 2 महीने पहले, बिल्कुल सारी सड़कें बेकार पड़ी है। कहाँ से आए? पंजाब से आए। नाम बताइए।
शेयर महर जी। महन जी ये बताइए कि जो अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2019 में, उसको लेकर आपके इलाके में आप जिन लोगों से संपर्क करते हैं क्या लग रहा है? पंजाब में मोदी आएगा, सारे इंडिया में मोदी आएगा, और जब तक मोदी योगी जैसे लीडर आगे नहीं आएंगे इंडिया का सुधार होने वाला नहीं है। घर घर मोदी, घर घर योगी। क्यों मोदी योगी? क्यों मोदी योगी? क्यों आप इतना मोदी? अगर कोई ईमानदार छवि वाला लीडर है, नेता है, तो मोदी है और योगी है, जिन्होंने इस मेले में आकर हमें ये पता चलता है कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। आज तक न इतनी स्वच्छता हुई है, न ऐसा प्रशासन मिला है। प्रशासन सभी को सहयोग कर रहे हैं, तो हम सबकी यही मांग है कि इन चोरों को हटाकर मोदी और योगी जी को जिताइए। राजीव नंदन सोनिया सुत कहता है मोदी चोर है, राफेल में घोटाला किया है, अंबानी ने पैसा लिया। चोरों को चोर ही नजर आते हैं, हमारे तो योगी और मोदी साध हैं, ऐसे संत नहीं मिलेंगे। ये अपनी चोरी छुपाने के लिए अल्लाह मचा रहा है जी, अपनी चोरी छुपाने के लिए अल्लाह मचा रहा है। ये तो परिवार ही चोरों का है, चोरों का खानदान है, चोरों का खानदान है, पहले से खाते आए हैं, अभी खा रहे हैं। जय जय मोदी, हर हर मोदी। भाई ये क्या कहानी? कहाँ से आए हैं? बनारस। बनारस से आए हैं? हाँ। बनारस से मोदी जी सांसद हैं। क्या बदलाव हुआ है पिछले चार? बहुत बदलाव हुआ है, इतना बदलाव हुआ है कि मैं बनारस में जितना दिन से करीब हम वहाँ से हैं, आज तक किसी ने बदलाव नहीं किया जितना ने मोदी या योगी ने कर दिया। क्या किया है थोड़ा बताइए? अब वहाँ का जब अब यहाँ से अब हम अपने मुँह से क्या कहेंगे, जब जाकर अपना नज़ारा देखेंगे बाबतपुर से, जब आप घूमेंगे बाबतपुर से लेकर पूरे मतलब बनारस का, और इतने मतलब चौड़ीकरण से लेकर के बिजली 24 घंटा, इसके अलावा इतने स्वच्छता सर सफाई, और इतने मतलब टर्मिनल बना कि आज तक हम लोग सपना भी नहीं सुने देखे थे कि इस तरह का कभी होगा। पर राहुल गांधी समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव, मायावती कहते हैं कि कुछ नहीं किया। मायावती अखिलेश तो 15 साल से परिवारवाद में रह गए, खाली परिवार में रहे और केवल उनको सफाई दिखाई दिया, बाकी कुछ नहीं। यही हाल कांग्रेस का रहा कि अमेठी और रायबरेली दिखाई दिया, प्रदेश से कोई मतलब नहीं, देश से कोई मतलब नहीं, लेकिन सारा पैसा खा लिए। सारा पैसा ये केवल परिवारवाद और क्षेत्र में, बाकी देश से मतलब नहीं। आज ये पूरा, हम तो वहाँ से यहाँ भी आए हैं, यहाँ का भी देखकर तबीयत गदगद हो गया, इतने स्वच्छता से स्नान किए सब कुछ परिवार सहित हम लोग कई लोग हैं। मोदी मोदी योगी योगी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से। बिहार कौन जिला है? मोतिहारी जिला। मोतिहारी से कितने लोग हैं? मोतिहारी से अभी तो आजकल तो बहुत लोग आए हैं। क्या लगता है मोतिहारी में किसकी लहर है, कौन जीतेगा 2019 का चुनाव? हम लोग तो जितना ही आदमी है उतना मोदी मोदी सब लोग पुकार, सब मोदी 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 पुकार। लालू लालू जी था चारा चोर लालू, उसका लड़का, उसका कुछ नहीं होना ना। हम हाँ हाँ सब मोदी जी, मोदी जी हर जगह चकमा दे रहा है लालू जी। लालू और उसका लड़का दोनों, एक वो बड़का लड़का शंख बजाता है, उसका कहा है? वो भी चकमा दे रहा है, वो भी चकमा दे रहा है। दे रहा। जो राहुल नाम का राहुल गांधी है जो 49 साल का अधेड़ युवा, उसकी क्या संभावना है? वो उतना संभावना उसका अच्छा नहीं है। हम लोग उनसे प्रचारे नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है, नहीं है प्रचारे नहीं है उसका, खाली मोदी का। लालू का लड़का कहता सारी सीट हम जीत जाएंगे। नहीं नहीं मोदी का, घर घर मोदी, घर घर मोदी। लालू का लड़का कह रहा है कि हम पूरा सीट है, है? बहुत अच्छा कह रहे हैं, मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। मिलेगा बड़का दोनों का कोशिश, कोई नहीं नहीं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। खाली जाते वहाँ मोदी 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 मोदी। हाँ हाँ का रक्षादार है वो भी, इसलिए कहते हैं लोग जो मोदी का दिया जाए। हम लोग बड़ा जो मेला लगा हुआ है जितना नहीं जी सकता है, मोदी को छोड़कर कोई नहीं जी सकता। इसको अलावा कोई भी, इसको अलावा कोई भी नहीं, सफाई किसी मेला में हम नहीं देखते हैं जितना मोदी यहाँ कर दिए है। पक्का बिहार से मानोगे नहीं इस बार? एकदम आपको खाली मोदी आ रही है सारा जिले में, सारे जिले में। हम लोग मोतिहारी जिला गए तो दूसरे जिले में हम नहीं सब करते हैं। हाँ हाँ
मोदी 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 मोदी।